आज हम आपको एक प्लगइन के द्वारा बताएंगे कैसे आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो सकते हैं फेसबुक अकाउंट से या गूगल अकाउंट से। कौन सा प्लगइन है जिसका इंटीग्रेशन करने से आप अपने फेसबुक अकाउंट से या गूगल अकाउंट से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकते हैं बिना आईडी पासवर्ड डालोगे। तो वो कौन सा प्लगइन है, किस तरह हम यूज करते हैं, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी, एंड यहाँ पर प्लगइन ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर प्लगइन को आपको सर्च करना है, प्लगइन का नाम है नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन एंड रजिस्टर्ड। यह आ जाएगा प्लगइन, वन क्लिक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन प्लगइन फॉर फेसबुक गूगल एक्स एंड मोर क्विक स्टेप एंड इजी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप अपने साइट के अंदर लॉगिन पैनल बना सकते हैं, ट्विटर का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है या जीमेल का हो सकता है, उनके द्वारा आप अपनी साइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेटिंग भी देखिए दोस्तों 5 स्टार है, इसके एक्टिव डाउनलोडर 300,000 से भी ज़्यादा हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट बटन आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग मिल जाएगी नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन की, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आएगा, तो आप किस सोशल प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उनको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्री है, फेसबुक गूगल है, ट्विटर है, लेकिन आप स्ट्रीम लेंगे, स्पॉटिफाई लेंगे, स्लैक लेंगे, ये अपग्रेड वर्जन का है। ठीक है, एप्पल का लेंगे, रेडिट का लेंगे, ये जो प्रोफाइल होती हैं सोशल साइट की या किसी अदर प्लेटफॉर्म की, इनको लॉगिन पैनल बनाने के लिए आपको इस प्लगइन को अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फेसबुक को लेंगे और यहाँ पर गूगल को भी लेंगे। ठीक है, चलिए हम फेसबुक को बताते हैं कि फेसबुक का लॉगिन पैनल आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे आप, एंड यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर क्रिएट ऐप, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर आधार पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है, कंज्यूमर बिजनेस इंस्टेंट गेम्स और वर्क प्लेस। तो यहाँ पर हम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड ऐप नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ईमेल बाय डिफॉल्ट होगा जो फेसबुक के अंदर डला है, कि ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे सबमिट करने के लिए, जो भी आपका फेसबुक लॉगिन पासवर्ड है वो आपको डालना है। एंड यहाँ पर इस तरह का पेज आएगा, तो आपको यहाँ पर फेसबुक लॉगिन सेटअप करना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, सेटअप पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, iOS, एंड्रॉयड, वेब एंड अदर। तो हमें वेबसाइट के लिए बनाना है, तो हमें यहाँ पर वेबसाइट ऐड करनी होगी जिसका हम लॉगिन पैनल बनाना चाहते हैं, फेसबुक से लॉगिन होना चाहते हैं। वेब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर URL डालेंगे साइट का, तो हमारी साइट थी ये, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये कोड है, तो हम कोड का यूज ना करके नीचे जाएंगे सेटिंग पर। एंड यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिडायरेक्शन URL देंगे, ठीक है, वैलिड वाला जो है हमारे इस प्लगइन के अंदर। हम नीचे आएंगे तो ये है वैलिड रिडायरेक्ट URL, इसको कॉपी करेंगे, ये आपकी साइट के अंदर होगा 10वें नंबर पर। ठीक है, एंड इधर डाल देंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड नीचे आएंगे तो सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर आई एम डन सेटिंग अब माई फेसबुक ऐप, ठीक है, तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ऐप ID और ऐप सीक्रेट, ये 2 रिक्वायरमेंट ये आपको डालना होगा। ये कहाँ मिलेगी, फिर से आपको फेसबुक के अंदर जाना है और यहाँ पर डैशबोर्ड रिक्वायर्ड एक्शन ऐप सेटिंग पर आ जाना है, तो यहाँ पर बेसिक आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे ऐप ID है, फिर ऐप सीक्रेट, ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पे ऐप ID डाल देंगे और यहाँ पर ऐप सीक्रेट आपको ये शो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तभी कॉपी कर पाएंगे, इसको कॉपी शो करते हैं और यहाँ पर ऐप सीक्रेट में पेस्ट कर देंगे और सिप चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पर वेरीफाई सेटिंग पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, टैप, इनेबल। ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली काम हो चुका है।
तो सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर साइट को विजिट करते हैं और यहाँ पर लॉगिन पैनल खुलते चेक करते हैं। तो यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर न्यू टैब लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू विद फेसबुक से आने लगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे, फेसबुक का पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस साइट को फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे बैक, तो यहाँ पर देखिए इनेबल आ रहा है। अब बात आती है गूगल की, गूगल से करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है कौन सा डेवलपर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गूगल क्लाउड का पेज आ जाएगा, है ना। एंड आपको करना क्या है, एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम वेब प्रैक्टिस, ठीक है। एंड यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पर फिर स्विच पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे वेब प्रैक्टिस को। एंड यहाँ पर ई पी आई लाइब्रेरी पे एंड वेब प्रैक्टिस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंसेंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐप नेम हम डाल देंगे वेब प्रैक्टिस एंड यहाँ पर सपोर्ट यू आर एल ये डाल देंगे, हमारा जो भी है जो जिसके अंदर हम लॉगिन हुए हैं, जिससे हमें लॉगिन पैनल बनाना है अपने वर्डप्रेस साइट का। एंड यहाँ पर नीचे आएंगे, डोमेन नेम को ऐड करेंगे, हमारा डोमेन नेम साइट का ये है, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको HTTP वगैरह हटा देना है, सिंपल डोमेन नेम रखना है। एंड नीचे आएंगे एंड 7 कंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, तो ईमेल आईडी हमारी वही है, मैं डाल लेता हूँ, ये है बेसिक कंप्यूटर हिंदी। 7 कंट्री पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन एंड्रॉयड क्रोम एक्सटेंशन, तो मैं वेबसाइट क्लिक करना है, वेब एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर क्लाइंट नेम वेब क्लाइंट, तो यहाँ पर इसको हम वेब प्रैक्टिस कर देते नेम, ठीक। एंड यहाँ पर नीचे आएंगे तो एंड यहाँ पर ऑथोराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, तो रीडायरेक्ट यूआरएल आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ होगा फिर से प्लगइन के अंदर साइट के डैशबोर्ड में एड यूआरएल पर क्लिक करेंगे और बैक जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन होम पेज एंड यहाँ पर ये है 19वें नंबर पर ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। 19वें नंबर आप चेक करेंगे, फेसबुक का शायद 10 नंबर पर, तो आपको जीमेल का ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल मिलेगा 19वें नंबर पर। इसको आपको कॉपी करना है, बैक जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये इनेबल हो चुका है। एंड सक्सेसफुली ये काम होने के बाद आपको बैक जाना है और यहाँ पर आई एम डन सेटिंग अप माई गूगल ऐप, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ सेटिंग पेज खुलकर आएगा, तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों डाल लेंगे, जैसे हमने फेसबुक पर डालना बताए थे। एंड आप फिर से पेज में आएंगे, ठीक है, गूगल क्लाउड के, और यहाँ पर आप इसके एडिट पर क्लिक करेंगे, ये क्रेडेंशियल में मिलेगा, एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, सॉरी ये साइड में मिल जाएगा क्लाइंट आईडी और यहाँ पर क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना, क्लाइंट आईडी को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर जाएंगे यहाँ पर है सीक्रेट की, इसको भी कॉपी करेंगे या डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे एंड वेरीफाई सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। फिर से आप वेरीफाई करेंगे कौन सी ईमेल से करना है, मैं यही करना है बेसिक कंप्यूटर हिंदी, यही इसी से गूगल क्लाउड कंपनी सेटिंग की है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई करने के लिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, इनेबल पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये भी सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से हम बैक जाएंगे प्लगइन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर फेसबुक का हो गया एंड गूगल का हो गया। अब हम चेक करके दिखाते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर से जाएंगे और यहाँ लॉगिन पेज खोलेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड का वेब प्रैक्टिस, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब गूगल का भी आने लगा, अब मैं गूगल से भी लॉगिन हो सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को गूगल या फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, इन फंक्शन को इस तरह ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद।